साथियों, हमारे समाज में दहेज एक ऐसी समस्या है जिसे लोग बड़ा ही सामान्य ढंग से लेते हैं, यानी कहें बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन जिनके पास देने के लिए वो तो बहुत सारा दे देते हैं, लेकिन जिसके पास देने के लिए नहीं लेकिन समाज में उसकी इज्जत बनी रहे, उसका मान सम्मान बना रहे, तो उसका घर भी गिरवी रख जाता है। आइए इस कविता के माध्यम से समझेंगे कि दहेज हमारे लिए कितना बड़ा दंश है, हमारे समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। जब से पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है जमाने में, एक बाप लग जाता है तब से दिन रात कमाने में। जैसे भी हो पर दहेज तो कैसे न कैसे जुटाना है और अपनी प्यारी बेटी को अच्छे परिवार में विदा कराना है। तब बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना, दहेज के असहनीय दर्द से खुद को निकालना। जब लड़के का बाप कहता है लड़की के बाप से कि कुछ शादी के बारे में बात हो जाए आपसे, तो लड़की के बाप का दिल बैठ जाता है और पिता का गला सूख जाता है। धड़कने तब एकाएक तेज चलने लगती है, धड़कने तब एकाएक तेज चलने लगती है और दिल में एक ही बात उठती है कि लड़के का बाप अब दहेज की बात करेगा, न जाने वो कितनी रकम की मांग करेगा, न जाने मैं इतनी रकम जुटा पाऊंगा या नहीं, ना जाने कितना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा कहीं। वो वक्त ना जाने कितना कहर ढहाता है, वो वक्त ना जाने कितना कहर ढहाता है, बस जान ना निकले बाकी सब हो जाता है। एक डरावने सपने से डरावना होता है वो पल, एक डरावने सपने से डरावना होता है वो पल। एक लड़की का बाप सोचे कैसे जाए ये टल, एक लड़की का बाप सोचे कैसे जाए ये टल। तो जिस पर बीतती है उस समय वो एक लड़की का बाप ही जानता है कि बस इसी तरह मेरी लड़की जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, ये समाज ताना देगा मुझे कई कई तरह से, समाज जो कि दुधारी तलवार होता है उसके लिए। जब वो इस स्थिति में आता है तब वही जान सकता है, कविता के माध्यम से सिर्फ बताने की कोशिश की लेकिन महसूस वो व्यक्ति ही कर सकता है जो इस स्थिति से गुजरता है। साथियों, हो सके अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इस पर जरूर विचार करें।